Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And it is my email ID, and today I am going to discuss historical development of education in India during British period. Okay, the lecture will be in bilingual mode and it is very useful for various competitive teaching examinations. So let's start. हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा का इतिहास. अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से शिक्षा को देखें तो भारतवर्ष में शिक्षा किस स्वरूप से किस स्वरूप तक पहुंची है. तो ब्रिटिश काल से पहले भी शिक्षा का यहाँ पे प्रचार प्रसार था. शुरू से देखें तो वैदिक काल, फिर बुद्ध काल, फिर इस्लामिक एजुकेशन, ये सब आता है. लेकिन हम फिलहाल प्री ब्रिटिश पीरियड की बात कर रहे हैं. उसके बाद प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस की करेंगे, मतलब प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस. और प्री इंडिपेंडेंस भी कब से, जब से ब्रिटिशर्स आए. तो बहुत सारे इसमें एक्ट हैं, बहुत सारे कमीशन हैं, बहुत सारे कमिटीज हैं. हमको वैसे भी जनरल नॉलेज के हिसाब से भी पता होना चाहिए और बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कैसे रहा शिक्षा में, क्या क्या किया ब्रिटिशर्स ने. तो सबसे पहले जो हमको एक मिलता है शिक्षा के लिए ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया प्रयास, वो मिलता है हमको चार्टर एक्ट ऑफ 1830. देखिए, it constitutes a landmark in the educational history of British India. Section 43 of the Charter Act 1830 contained the first legislative admission of the education in India in the public revenues. यानी कि ये पहला डॉक्यूमेंट हमको 1813 में मिलता है ब्रिटिश इंडिया में, जब वो बात करते हैं शिक्षा की. This said section only defined the objects of the educational policy. तो इस जो सेक्शन में हमको मिलता है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट बताते हैं एजुकेशनल पॉलिसी का. क्या बताते हैं? The revival and improvement of literature. वो कहते हैं कि जो literature है, जो साहित्य है, उसका revival, उसको पुनर्जीवित करना है, उसका विकास करना है. The encouragement of learned natives of India. और जो पढ़े लिखे लोग हैं भारत के, उनको प्रोत्साहन देना है. The introduction and promotion of a knowledge of sciences among the inhabitants of the British territories in India. और इसके साथ साथ विज्ञान के ज्ञान को भी प्रमोट करना है और उसको शुरुआत करनी है. तो अगर आप डिटेल में हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि इसके बाद एक बहुत कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर, पर ये नहीं कह रहे हैं कि इंडियन लिटरेचर की वेस्टर्न लिटरेचर, मतलब कि कौन सा माध्यम होना चाहिए, इंग्लिश में पढ़ाया लिखाया जाए कि नेटिव लैंग्वेजेस में सिखाया जाए, किस लिटरेचर के इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं. ये बड़ा डाइसी था, ये बहुत कंफ्यूजिंग था. तो इस पर बहुत विवाद चला बहुत सारा. तो ये एक चार्टर एक्ट ऑफ 1813 सबसे पहले हमको मिलता है. उसके बाद हमको मिलता है लॉर्ड बेंटिंक्स रेजोल्यूशन ऑफ 7 मार्च 1835. 1835 का रेजोल्यूशन हमको मिलता है. He passed the resolution of March 1835, which was the first declaration of the British government in the sphere of education in India. तो ये क्या कहता है resolution? ये determine करता है aim, सुनिश्चित करता है उद्देश्य, content and medium of instruction in India, जो कि Charter Act of 1813 में missing था, वो 1835 में हमको मिल जाता है. तो ये क्या कहते हैं? Promotion of Western science and arts. यानी कि पाश्चात्य विज्ञान और कला के प्रमोशन की बात कर रहे हैं ये, भारतीय कला और विज्ञान के ज्ञान के प्रमोशन की बात नहीं कर रहे हैं. वॉज एक्नॉलेज्ड एज द इवॉल्व्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. और ये कहते हैं कि भारत जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतवर्ष में वेस्टर्न साइंस और आर्ट्स के प्रमोशन को अपना मेन ध्येय बनाकर चल रही है. ठीक है, फिर हमको एक मिलती है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी. बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये. Macaulay was assigned the duty of studying the real background of the Oriental-Occidental controversy, which was haunting the whole educational scenario of the period between 1817 and 1833. वो कह रहे हैं कि 1813 में आया चार्टर एक्ट जिसमें कहा गया कि लिटरेचर का रिवाइवल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा गया कि कौन से लिटरेचर का रिवाइवल है ना होना चाहिए, इंडियन लिटरेचर है कि वेस्टर्न लिटरेचर है. तो बहुत साल 1817 से लेकर 1833 तक ये कॉन्ट्रोवर्सी चलती रही, ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कॉन्ट्रोवर्सी जिसको कहते हैं. तो इसके समाधान के लिए मैकॉले साहब नियुक्त किए गए. द ड्यूटी वॉज गिवन टू मैकॉले, अ लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर्स काउंसिल. ही पुट फोर्थ a few recommendations to solve the problem in his historic report called Macaulay's Minutes of 1835. तो उन्होंने कुछ solutions दिए, सुझाव दिए, जिसको कि मैकॉले का जो मिनट 1835 में आया था उसमें उन्होंने लिखा. उसमें उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का जिक्र किया है. This theory states that giving education to the members of the higher classes of the society would facilitate an opportunity for the grassroots people of the society too, because the lower class people always tend to imitate and follow
the model of the people of higher status in the society. क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं कि जब कभी भी आप उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देंगे समाज के, तो अपने आप क्या करेगा कि जो ग्रास रूट पीपल है उन तक एक अपॉर्चुनिटी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, यानी कि छन छन के, इसको निस्यंदन का सिद्धांत भी कहते हैं, कि छन के वो नीचे चला जाएगा। लोअर क्लास पीपल क्या करते हैं, हमेशा इमिटेट करते हैं, अनुकरण करते हैं और फॉलो करना चाहते हैं जो स्टेटस, जो हाइयर स्टेटस होता है सोसाइटी में जिन लोगों का, उनके बोल चाल, उनकी भाषा, उनका आचार व्यवहार सब फॉलो करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो हाइयर स्टेटस वाले लोग हैं उनको आप सिखा दीजिए इंग्लिश लिटरेचर, तो उनसे, और वेस्टर्नाइजेशन की बातें, तो उनसे जो है निचले तबके के लोगों तक ये चीज अपने आप पहुंच जाएगी। तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, उन्होंने कहा सबको सिखाने की जरूरत नहीं है, और इन्होंने एक तरीके से पैसा भी बचा लिया है ना सबको शिक्षित करने का। फिर आता है वुड्स डिस्पैच 1854। द चार्टर एक्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टू बी रिव्यूड इन 1853 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिस्पैच वाज not only to produce a higher degree of intellectual fitness but to raise the moral character into supply with servants. वो कह रहे हैं कि हमको बहुत intellectual लोगों को नहीं पैदा करना है, बल्कि जो हैं उनका moral character बढ़ जाए, और हमको मतलब servant चाहिए, because उनको अपनी machinery चलाने के लिए नौकर चाहिए। The function of education was to diffuse European knowledge, arts, philosophy, science and literature. और वो कह रहे हैं शिक्षा का उद्देश्य ही यही है कि जो European ज्ञान है, जो यूरोपीय संस्कृति है, यूरोपीय दर्शन है, यूरोपीय विज्ञान है, यूरोपीय साहित्य है, वो हम इंडिया में डिफ्यूज कर सकें। इंग्लिश एंड वर्निकुलर लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया वुड बी द मीडिया फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूरोपियन नॉलेज। एंड इमीडिएट आउटकम ऑफ दिस डिस्पैच वॉज द पासिंग ऑफ द थ्री यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1857 एस्टैब्लिशिंग यूनिवर्सिटीज एट कैलकटा, मद्रास एंड बॉम्बे। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो पहली यूनिवर्सिटीज जो मॉडर्न ट्रेंड की बनी हैं वो कैलकटा, मद्रास और बॉम्बे की यूनिवर्सिटीज हैं, जो 1857 में बनी हैं, और वो यही वुड्स डिस्पैच 1854 की रिकमेंडेशन से बनी। इट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ एन एजुकेशन डिपार्टमेंट इन ईच प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इसी वुड्स डिस्पैच ने कहा कि हर प्रोविंस में एक शिक्षा का विभाग होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, जिसको कि हंटर कमीशन भी कहते हैं। तो इसने क्या कहा कि इनकरेजमेंट एंड सपोर्ट टू इंडिजिनस स्कूल्स फॉर एक्सटेंडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन बाय डिक्लेयरिंग एजुकेशन ऑफ द मासेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। वो कह रहे हैं कि जनमानस को शिक्षा देने के लिए देशीय स्कूल ही रहे, देशज स्कूल ही रहे, उन्हीं का आप इंकरेजमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। फ्रीडम टू द मैनेजमेंट कमिटीज फॉर चूजिंग वर्निकुलर लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डिपेंडिंग ऑन द लोकल नीड्स। फिर वो कह रहे हैं सेकेंडरी स्कूल बनाइए, है ना। ग्रांट इन एड सिस्टम आया, देखिए हंटर कमीशन में ना, ग्रांट इन एड यानी कि सहायता दीजिए आप उसको, वित्तीय सहायता। एंड सेटिंग अप ऑफ प्राइमरी स्कूल्स विद द सपोर्ट ऑफ लोकल पीपल, और जो प्राथमिक विद्यालय बनाइए उसमें जो आपका लोकल स्थानीय लोग हैं उनकी सहायता से बनाइए। ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स टू लोकल नेटिव मैनेजमेंट कमिटीज विद ड्यू कंसिडरेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, है ना। और क्या कह रहे हैं, बाइफर्केशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इनटू टू स्ट्रीम्स। देखिए ये कितनी खास बात है, और ये भी ध्यान दीजिए कि ये कब कही जा रही है, 1882 में। एक कह रहे हैं bifurcation of secondary education into two streams, one leading to the entrance examination of the universities and the other of a more practical character preparing the students for commercial jobs. देखिए जब हम vocationalization की बात करते हैं तब ये बात निकल के आती है कि secondary education को दो भागों में इन्होंने तोड़ दिया। एक कह रहे हैं कि एक भाग को आप तैयार कीजिए जो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है उसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम के एंट्रेंस पे तैयार कीजिए, और जो दूसरा है हिस्सा उसको आप मोर प्रैक्टिकल कैरेक्टर के लिए तैयार कीजिए, यानी कि जिसको जॉब ओरिएंटेड वोकेशनलाइजेशन की बात, ये 1882 में कही गई। फिर इसके बाद लॉर्ड कर्जन्स एजुकेशनल पॉलिसी 1902 में आती है, जिसको इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी 1902 कहते हैं। लॉर्ड कर्जन कन्वीन्ड एन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एट शिमला इन 1901 टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स रेंजिंग फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। देखिए पहली एक तरीके से एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में हो रही है 1901 में शिमला में, और जिसमें यह डिस्कस किया जा रहा है कि प्राथमिक से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक क्या समस्याएं हैं। बट इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न दैट नॉट अ सिंगल एजुकेटेड इंडियन वाज इनवाइटेड टू अटेंड दैट कॉन्फ्रेंस। किसी भारतीय को उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनाया गया।
recommendations of the commission included regulations for reformation of university senates in Indian universities, greater representation of affiliated colleges in the senates, stricter monitoring of affiliated institutions by the universities, reorganization of the administration, and substantial changes in curricula and in the methods of examination. तो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी सीनेट हो, हाँ एफिलिएटेड कॉलेजेस में सीनेट्स का ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन हो, उनकी और मॉनिटरिंग की जाए, एडमिनिस्ट्रेशन का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए, करिकुला में चेंज किया जाए, मेथड ऑफ एग्जामिनेशन में चेंज किया जाए. बट द रिकमेंडेशंस वर हाउएवर कंट्रोवर्शियल एट दैट टाइम. पर उसको उस वक्त स्वीकृत नहीं करना चाहता था जनमानस. डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेन ऑपोजिशन फ्रॉम इंडियन पॉपुलेस, द रिकमेंडेशंस वर इनएक्टेड बाय कर्जन एज इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904. वो कह रहे हैं कि बहुत लोगों ने विरोध किया, उसके बावजूद कर्जन ने इसके बाद इसकी जो रिकमेंडेशन थी उसको इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में पब्लिश किया. फिर आता है आपका कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन 1917, जिसको कि सैडलर कमीशन भी कहते हैं. कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1917 टू इंक्वायर इनटू द कंडीशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कैलकटा यूनिवर्सिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर माइकल सैडलर, द वाइस चांसलर ऑफ लीड्स यूनिवर्सिटी. द मेजर रिकमेंडेशंस वर, मतलब कि जो लीड्स यूनिवर्सिटी के वीसी थे माइकल सैडलर, उनको कहा गया कि आप कैलकटा यूनिवर्सिटी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, उसको आप ठीक कीजिए. तो इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी कि द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विच मार्क द एंड ऑफ स्कूल स्टेज एंड कॉन्स्टिट्यूटेड एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू द यूनिवर्सिटीज वाज कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज. वो कह रहे हैं कि मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन भी यूनिवर्सिटी कराए. और क्या कह रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर द फर्स्ट डिग्री शुड बी इंक्रीज टू 3 years विद द प्रोविजन ऑफ ऑनर्स कोर्सेज. वो कह रहे हैं कि बीए बीएससी बीकॉम को 3 साल का कर दिया जाए, जिसमें से 1 साल ऑनर्स के लिए हो. फिर क्या कह रहे हैं, अ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑन द लाइंस रिकमेंडेड बाय इट एंड फॉर होल्डिंग द मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन. वो कह रहे हैं कि आप एक सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन का बोर्ड बना दीजिए और वही ये एग्जामिनेशन कराएगा. The university should have departments of education with provision of teaching education as a subject at BA level. देखिए 1917 में ये कहा गया है कि BA level में education को as a subject पढ़ाया जाएगा और एक department of education बनाया जाएगा. मतलब ये आपकी जानकारी के लिए खास बात है. An inter-university board should be established to coordinate the work of different Indian universities. वो कह रहे हैं एक IU भी बना लीजिए जिसमें बाकी Indian universities से आप coordinate कर सकें. The recommendations of the commission introduced a fresh outlook in university education in India, steering a number of new universities to set up on the suggested lines. फिर आपका आता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन केब 1921. द नीड फॉर ए कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी इन द मैटर ऑफ एजुकेशन लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ केब एट द सेंटर इन 1921. द आइडिया दैट देयर शुड बी अ केब वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन. यानी कि सैडलर कमीशन ने ही कहा कि एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, उसके बाद ही ये बना. और इंटेंशन क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, that the government of India can perform an invaluable function by defining the general aims of educational policy, by giving advice and assistance to local governments and to universities, and by supplying organized information as to the development of educational ideas in the various provinces and also elsewhere than in India. The chief function of the board was to offer expert advice on important education matters referred to it. वो कह रहे हैं कि सैडलर कमीशन ने ही कहा कि एक ऐसा केब बना दीजिए, तो बना दिया गया. और इसलिए बनाया गया कि हम एडवाइस कर सकें बोर्ड को कि क्या शिक्षा की पॉलिसी होनी चाहिए, क्या एम होना चाहिए, ये सब इसके उद्देश्य थे. और फिर आती है आपकी हर्टॉक कमेटी 1929. ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट कमेटी रही. द कमेटी ऑब्जर्व्ड दैट एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैड लेड टू डिटीरियोरेशन ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड्स. द कमेटी वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन रिजल्टेड इन द डाइल्यूशन ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन बिकेम लार्जली इनइफेक्टिव एंड वेस्टफुल. इट एम्फसाइज्ड द नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन बट कंडेम्ड द पॉलिसी ऑफ हैस्टी एक्सपेंशन और अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस कंपल्सरी एजुकेशन. मेनली प्राइमरी एजुकेशन पे इसने काम किया. उसने कहा कि बहुत सारा मतलब संख्या तो बढ़ रही है, क्वांटिटेटिवली तो बढ़ रहा है, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है. The main conclusion of the report was that the quantitative increase of education inevitably led to deterioration of quality and lowering of standard. यही इसने कहा कि बहुत सारी संख्या बढ़ने से क्वालिटी घट गई है. फिर जो हर्टॉक कमेटी की रिपोर्ट थी, इसी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, जो लास्ट के सालों में, जैसे 1947 में भारत आजाद ही हो गया, तो बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो एजुकेशनल पॉलिसी थी वो बहुत कुछ हर्टॉक कमेटी के रिकमेंडेशन के तहत ही चली. और ये जो वर्ड हम लोग पढ़ते हैं वेस्टेज और स्टैग्नेशन, वो सबसे पहली बार हर्टॉक कमेटी में ही यूज किया गया था. ये आपकी जानकारी के लिए खास है. फिर
यही सब है कि इसने, अच्छा, एजुकेशन अंडर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गया आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसी वक्त आपको पता होगा जाकिर हुसैन कमेटी भी बन रही है, तो ये क्या क्या कह रही है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन चले, फ्री यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई, कहा गया टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई, इन्होंने कहा इंटरमीडिएट कोर्स को ही हटा दीजिए, एडल्ट एजुकेशन की बात 1935 में हुई, स्ट्रेस ऑन टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात की गई, तो ये सारी बातें इस तरह से चल रही थी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि 1947 में भारत आजाद हो जाता है, सार्जेंट प्लान आता है सबसे लास्ट में 1944 में, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम्स ऑफ एजुकेशन एवर प्रपोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर द डिस्पैच ऑफ 1854, यानी 1854 की वुड डिस्पैच के बाद ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था। थ्रू दिस द गवर्नमेंट हैड प्रपोज्ड अ डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम्स टू बी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फॉलोइंग 40 इयर्स फ्रॉम 1944 टू 1984, मतलब इसने आगे आने वाले 40 वर्षों के लिए अपना प्रोग्राम बनाया था, लेकिन ये चूंकि आपको पता है इंप्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ देश में और भारत आजाद हो गया, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से लेके सार्जेंट प्लान 1944 तक कितने सारे एक्ट्स हैं, कमीशंस हैं, कमिटीज हैं, सबके नाम क्रमवार ईयर के साथ सबकी क्या मेन रिकमेंडेशन है आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद भारत आजाद होता है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से लेके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक बहुत सारे कमीशन और कमिटीज हैं जो हमारा पूरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं एजुकेशन का, ठीक है। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन, इट इज डन फ्रॉम माय साइड।